So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के X90 Pro डिवाइस के अंदर आप जो है सिस्टम नेविगेशन सेटिंग का एक्सेस कैसे करेंगे। मीन्स कि अगर आप अपने फोन के अंदर नेविगेशन बटन का एक्सेस करते हैं तो वहां पर जेस्चर नेविगेशन यूज कर सकते हो जिसमें कोई बटन से नहीं होगी, प्रॉपरली अपने फोन को कस्टमाइज कर सकते हो जेस्चर की मदद से। वेल गाइस, चलो डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं जेस्चर नेविगेशन को कैसे एक्सेस करना है हमें अपने डिवाइस के अंदर। गाइस, फोन के अंदर जेस्चर नेविगेशन को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम सेटिंग्स को ओपन करेंगे। हालांकि हमने ऑलरेडी सेटिंग्स को ओपन करा हुआ है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, एक सेटिंग्स मिलेगी सिस्टम का, या फिर आपने सर्च बार में टाइप करेंगे सिस्टम नेविगेशन तो सेटिंग्स इजिली अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक बार सिस्टम पर प्रेस करेंगे, पहला ही ऑप्शन आपको सिस्टम नेविगेशन मिल जाता है, प्रेस करना है। इसके बाद थ्री बटन नेविगेशन अगर आपके फोन में सिलेक्टेड होगा तो आपको तीन बटन्स मिलती है, लाइक थ्री बटन्स मिलेंगे जिससे आप प्रॉपर अपने फोन को मैनेज आउट करेंगे। हालांकि इसमें भी कुछ लोग बैक बटन को लेफ्ट और राइट साइड में करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। इसमें ऑर्डर ऑफ कीज नेविगेशन कीज पे जाना है और ये है लेफ्ट राइट करने का ऑप्शन बैक बटन को। तो आप अगर आपको लेफ्ट में बैक बटन रखना है लेफ्ट रख सकते हो, राइट में रखना राइट रख सकते हो, जिधर आपको मर्जी चाहे उधर आपने बैक बटन को रख सकते हैं। जिनको कोई भी बटन से ही नहीं चाहिए, जेस्चर से कंप्लीटली अपने फोन को मैनेज करना है तो जेस्चर नेविगेशन पे प्रेस कर देना है, आपके फोन से सारी बटन्स गायब हो जाएगी। इसमें एक ऑप्शन मिलेगा ये हाइड बॉटम बार का, ये ऑप्शन इस तरह से बंद रहेगा तो इसमें एक अंडरलाइन आपको दिखाई दे रही होगी इस ट्यूटोरियल के जस्ट देखेंगे मिडल में। तो अगर आपको इस लाइन को भी यहाँ से हटाना है तो हाइड बॉटम बार को चालू कर देना है, इसके बाद ये लाइन भी गायब हो जाएगी। अब इसको हम एक्सेस करें, अगर आप पहली बार इसको एक्सेस कर रहे हैं तो इसके ट्यूटोरियल को फॉलो जरूर करें। इसमें एक जेस्चर नेविगेशन ट्यूटोरियल है, इसको फॉलो करना है। इसमें बैक टू होम स्क्रीन है, स्वाइप अप करेंगे तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, जो सक्सेस हो चुका है। बैकग्राउंड एप्स देखनी है, मीन्स की जो रिसेंटली हम यूज करते हैं उस एप्लीकेशन को देखना है, तो स्वाइप अप करके इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो हम बैकग्राउंड एप्लीकेशन को इजिली देख सकते हैं। इसके बाद बैक आना है तो इन्वर्ट करना है लेफ्ट या राइट साइड में, किधर भी इन्वर्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से तो आपने फोन के बैक में आ जाएंगे, लाइक बैक आ जाएंगे फोन से। तो इसको हम ऐसे मैनुअल भी डेमो कर लेते हैं। एज एग्जांपल यहाँ पर मैं प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ और इसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पर कोई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, लाइक फेसबुक को कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें अगर बैक जाना है तो इन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट या राइट में बैक आ चुके हैं। अगर मुझे स्वाइप अप करना है तो ऊपर अपने होम पेज पे आएंगे स्वाइप अप करके, इसके बाद अगर रिसेंट ऐप पे आना है मीन्स की बैकग्राउंड पे तो इसको स्वाइप अप करके थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये हमारी रिसेंट एप्लीकेशन आ जाएंगी और यहाँ से हम इसको इजीली अपने फोन में एक्सेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही आसान है जेस्चर नेविगेशन को एक्सेस करना। आई थिंक गाइस समझे होंगे जेस्चर नेविगेशन को कैसे एक्सेस करना है हमें अपने डिवाइस के अंदर। एंड फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है इस नेविगेशन ट्यूटोरियल की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रॉब्लम को लेके तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हैंडल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।